हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को आय से अधिक संपत्ति मामले में राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 8 सितंबर तय की है। वहीं सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वीरभद्र के आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच पूरी हो गई है। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में उनके पास पर्याप्त सबूत हैं और उसकी जाँच भी पूरी हो चुकी है। सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दायर करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से इजाजत मांगी है। अब हाईकोर्ट इस मामले में 8 सितंबर को यह तय करेगा कि वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में चार्जशीट फाइल की जा सकती है या नहीं। इससे पहले हिमाचल हाईकोर्ट ने 1 अक्टूबर 2015 को अपने अंतरिम आदेश में वीरभद्र सिंह की गिरफ्तारी, पूछताछ करने और चार्जशीट दायर करने पर रोक लगा दी थी। बाद में मामले को उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया था, लेकिन अंतरिम आदेश पर अभी स्थगन नहीं दिया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस वर्ष 6 अप्रैल को सीबीआई को निर्देश दिया था कि सिंह को गिरफ्तार ना करें, लेकिन सिंह जांच में सहयोग दें। सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया। सीबीआई इस मामले में पर्याप्त सबूत होने का दावा कर रही है। ऐसे में वीरभद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।